दोस्तों बिया चोपड़ा की महाभारत ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कलाकार दिए हैं। इनमें मुकेश खन्ना, रूपाली गांगुली, नीतीश भारद्वाज, गजेंद्र चौहान, फिरोज खान जैसे कलाकार शामिल हैं। महाभारत के सभी कलाकारों की खूब चर्चा हुई, चाहे वो कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज रहे हो या फिर अर्जुन की भूमिका निभाने वाले फिरोज खान। महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाते हुए फिरोज खान ने अपना रियल नाम लंबे समय तक छुपा कर रखा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किरदार के लिए यानी कि अर्जुन के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद दूसरा एक्टर था, फिरोज खान नहीं थे। इस एक्टर ने सिर्फ मूंछ कटवाने की वजह से इस रोल को करने से मना कर दिया था, जिसके कारण उसे शो से बाहर निकाल दिया गया था। इस एक्टर का नाम पंकज धीर है। पंकज धीर अर्जुन के रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद थे। महाभारत के मेकर्स चाहते थे कि पंकज धीर अपनी मूंछ कटवाने के बाद अर्जुन का रोल निभाए, लेकिन पंकज धीर ने अपनी मूंछ कटवाने से ही मना कर दिया। इसके बाद अर्जुन का किरदार फिरोज खान की झोली में आ गया और वह इस रोल में अमर हो गया। और फिर पंकज धीर को महाभारत के शो से बाहर कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि पंकज धीर को महाभारत में देखा गया था, दरअसल बाद में उन्हें कर्ण का रोल ऑफर हुआ था और उन्होंने इस रोल को करने के लिए हाँ कह दिया। और फिर इस तरह से पंकज धीर अर्जुन से कर्ण के रोल में दिखाई दिए और फिर पंकज धीर को महाभारत में कर्ण का रोल निभाने को मिला। पंकज धीर कर्ण के रोल में खूब पसंद किए गए। दोस्तों पंकज धीर ने बताया कि जब मैंने ऑडियंस दिया था तो मुझे अर्जुन का रोल ऑफर किया गया था और मैं खुश था, लेकिन महाभारत के डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने मुझे फोन करके कहा कि मुझे ब्रह्मला का किरदार निभाना है, जिसके लिए मुझे अपनी मूंछ मुड़वानी पड़ेगी। दोस्तों ब्रह्मला अर्जुन का एक किन्नर रूप था और फिर पंकज धीर ने महाभारत के डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मूंछे मेरे चेहरे की संतुलन है, अगर मैं मूंछे मुड़वा लूंगा तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा। पंकज धीर ने आगे कहा कि बी.आर. चोपड़ा ने मुझसे कहा कि आप किस तरह के एक्टर हैं कि अपनी मूंछों के लिए इतना बड़ा रोल छोड़ देंगे। आगे पंकज धीर ने बताया कि मूंछों के लिए अर्जुन का रोल छोड़ना मेरे लिए मूर्खता थी, यह मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी, लेकिन मैं उस समय कुछ समझ नहीं पाया। दोस्तों यहाँ हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर के लिए एक लाइक जरूर कर देना।